भाइयों और बहनों, अभी हाल में श्रीलंका में जो बम धमाके हुए थे, उसके बाद वहां की सरकार ने, श्रीलंका की सरकार ने जकीर नाइक के टीवी चैनल पर बैन लगाने का फैसला किया अभी पिछले 2-3 दिन में। क्या आप जानते हैं कि ये जकीर नाइक है कौन? श्रीलंका में बम ब्लास्ट हुए, 300 लोग मारे गए और श्रीलंका ने जो कदम उठाए हैं उसमें जकीर नाइक के टीवी चैनल पे प्रतिबंध लगाया। ये जकीर नाइक कौन है भाई? ये वही जकीर नाइक है जिसके दरबार में जाकर दिग्गी राजा उसकी तारीफ करते नहीं थकते थे। ये वही जकीर नाइक है जिसको कांग्रेस की सरकार ने, आप ये सुनकर के चौंक जाएंगे, इन लोगों ने देश कैसे चलाया है। इसी जकीर नाइक को भारत सरकार ने, कांग्रेस की सरकार ने हमारे देश के पुलिस अफसरों को संबोधित करने के लिए बुलाया था और वो भी आतंकवाद के मुद्दे पर। भाइयों बहनों, जिस जकीर नाइक के शब्द पाकिस्तान में बम धमाके करवाते हैं और उसके श्रीलंका में बम धमाके करवाते हैं, श्रीलंका को उसकी टीवी चैनल बंद करनी पड़ती है, उस जकीर नाइक को हिंदुस्तान में दिग्गी राजा जैसे लोग कंधे पर बिठा करके नाच रहे हैं। भाइयों, डूब मरो कांग्रेस वालों। ये वोट बैंक की पराकाष्ठा है या नहीं है? साथियों, कांग्रेस के दरबारी और राज दरबारी जकीर नाइक को शांति का दूत दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। आप मुझे बताइए, क्या देश जकीर नाइक जैसे लोगों को आगे बढ़ाने वाले, उनको कंधे पर लेकर नाचने वाले ऐसे खलनायकों को माफ करेगा क्या? मध्य प्रदेश माफ करेगा क्या? भोपाल माफ करेगा क्या? अरे चुन चुन करके हिसाब लोगों के नहीं,